हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉलम को किस टाइप से डिजाइन करते हैं। जो कॉलम को डिजाइन करना होता है उसका प्रोसीडर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में जो आपको मेथड बताऊंगा मैं कॉलम डिजाइन करने की, उस मेथड की हेल्प से आप कोई से भी शेप का कॉलम हो, जैसे स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर कॉलम हो, उसको आप इजीली डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको उस कॉलम की लेंथ पता हो और उस कॉलम पे कितना लोड एक्टिव है या उस पे कितना लोड आ रहा है अगर आपको पता, तो उस मेथड की हेल्प से आप इजीली उसको डिजाइन कर सकते हो। तो जब भी हम कॉलम डिजाइन करते हैं उस पर जो गिवन डाटा होगा उस पर अगर लोड और लेंथ गिवन है, तो जो इस वीडियो में मैं आपको मेथड बताऊंगा उस मेथड की हेल्प से आप इजीली उसको डिजाइन कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें जो डाटा है वो चेंज हो जाता है तो उसको डिजाइन करने का प्रोसीडर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। अगर वो डाटा अलग हुआ तो उसको किस टाइप से सॉल्व करना है, पूरी उसको डिजाइन करने की स्टेप्स ये रहेंगी। बस इनका कुछ ऑर्डर चेंज हो जाता है और उसमें जो यूज़ होते हैं फार्मूले वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन गिवन होगी हमको उसके अकॉर्डिंग। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जब भी हम कॉलम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले अगर पता होना चाहिए हमको जो हमारा जो कॉलम है उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या है। अगर हमको क्वेश्चन में हमारे कॉलम की लेंथ गिवन है तो हम उसकी इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456 टेबल नंबर 28 पे आपको गिवन होगा, पेज नंबर 94 पर। उस पर आपको उसकी इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगी जो अकॉर्डिंग टू हमको कंडीशन गिवन होगी। वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, जो हमारा कॉलम है उसके बोथ एंड फिक्स होंगे या एक एंड फिक्स एक एंड फ्री या बोथ एंड फ्री या स्वेल, जो भी उस पर एक्टिव होगा वो कंडीशन हमको क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे हमारा जो कॉलम है उसकी इफेक्टिव लेंथ। देन उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे हम स्टेप सेकंड में, जो उस पर आने वाला लोड है उसको हम डिजाइन लोड में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि अल्टीमेट लोड है या डिजाइन लोड है तो आपको ये वाली स्टेप नहीं करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आपको डिजाइन लोड मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा है अल्टीमेट लोड या डिजाइन लोड, अगर सिर्फ क्वेश्चन में लोड लिखा है तो आपको डिजाइन लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें फैक्टर ऑफ 50 का मल्टीप्लाई कर देना। देन नेक्स्ट, जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं हमारे कॉलम की साइज फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हम अगर हमारे कॉलम की साइज हमको नहीं पता है तो कॉलम की साइज किस पर डिपेंड करती है, जो उसमें स्टील यूज हो रहा है उसके एरिया पे प्लस जो उसमें कॉन्क्रीट यूज है उन दोनों के एरिया पे जो हमारा ग्रॉस एरिया है उस पर डिपेंड करता है। देन अगर अगर हमको ग्रॉस एरिया पता चल गया तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं हमारे कॉलम की साइज, जो हमारा कॉलम जो भी हो सर्कुलर है रेक्टेंगुलर है स्क्वायर हो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं हमारा कॉलम की साइज क्या है। तो मेरे लास्ट वीडियो में आपको ये वाली स्टेप में आपको क्लियर कर चुका हूँ कि इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। देन उसकी हेल्प से हमको मिल जाता है ग्रॉस एरिया। देन ग्रॉस एरिया को हम किससे कंपेयर करते हैं, जो हमारा कॉलम है उसके एरिया से। जो अगर हमारा कॉलम का शेप अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के एरिया से कंपेयर करेंगे, अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर के एरिया से कंपेयर करेंगे, और उसकी जगह अगर सर्कल है तो सर्कल के एरिया से उसको कंपेयर करेंगे, जिससे हमको हमारे कॉलम की साइज पता चल जाती है। अब हमको हमारे कॉलम की साइज तो मिल गई, उसके बाद क्या हम कैलकुलेट करेंगे रेनफोर्समेंट, जो हमारा कॉलम है उसमें कितना रेनफोर्समेंट हमको रिक्वायर्ड है। हमको रेनफोर्समेंट एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट मिल जाएगा किसकी हेल्प से, ये वाले फार्मूले की हेल्प से। एक बार हमको ग्रॉस एरिया पता चल गया हमारे कॉलम का तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं हमारा एरिया ऑफ स्टील, उसमें कितना स्टील रिक्वायर्ड है ये हम निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमको कितने बार्स रिक्वायर्ड है, हमको कितने बार्स रखेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी हम एस्टीमेट करते तो उसमें आपको बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ बार कैसे कैलकुलेट करते, या जब भी मेरे लास्ट वीडियो में हमने स्लैब वगैरह डिजाइन की तो उसमें भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो अगर हमारे पास एरिया ऑफ स्टील अवेलेबल है तो हम क्या एज्यूम करेंगे डायमीटर ऑफ बार, हम कौन से डायमीटर का बार यूज़ करेंगे उस कॉलम को डिजाइन करने में, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बार। अब हमको नंबर ऑफ बार मिल गए, अब हमारे पास नंबर ऑफ बार्स तो आ गए। अब जो मेन बार रहेंगे कॉलम के उनको टाइप करने के लिए भी कुछ चाहिए, जो बार हम मेन बार को टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं उस बार को बोलते हैं हम लेटरल टाइज या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं उसको। तो जो हम लेटरल टाइज यूज़ करते हैं कॉलम में उसका डायमीटर कैलकुलेट करने के दो क्राइटेरिया होते हैं, तो उसको जो दो क्राइटेरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या बोलता है, जो डायमीटर होना चाहिए लेटरल टाइज का वो शुड नॉट बी लेस देन 5/4। तो यहाँ पे 5 क्या है, जो हमारा मेन बार यूज़ करेंगे हम उसका डायमीटर का 1/4 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हम बार यूज़ कर रहे हैं कॉलम में उस बार का डायमीटर है 20 mm, तो उसको 20 mm को 4 से डिवाइड करेंगे जब हमको मिल जाएगा जो हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है उसका डायमीटर। लेकिन सेकंड थिंग जो अकॉर्डिंग टू IS क्या बोलता है, जो मिनिमम डायमीटर होना चाहिए लेटरल टाइज का वो होना चाहिए 6 mm। 6 mm से हम कम उसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर जो हमारा डायमीटर 4-5 कुछ भी आएगा तो वहाँ पे हमको कौन से डायमीटर का बार प्रोवाइड करना है, 6 mm डायमीटर का। अगर उससे ज़्यादा आता है तो वो चलेगा, लेकिन हमको मिनिमम 6 वहाँ पे प्रोवाइड करना है, 6 से कम वहाँ पे डायमीटर वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अब हमने लेटरल टाइज तो प्रोवाइड कर दी, अब उनके बीच की स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बीच की स्पेसिंग हम इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू IS कोड में जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा कॉलम का। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारा कॉलम इस टाइप से गिवन है एक रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसका लीस्ट डायमेंशन, तो लीस्ट कौन सा है, ये वाला। तो जो ये वाला डायमेंशन है कॉलम की ये वाली साइड हमारी लीस्ट लेटरल डायमेंशन हुई, ये होनी चाहिए उसका मिनिमम स्पेसिंग, यस 16/5। यहाँ पे 5 क्या है, जो हमारा बार रहेगा उसका डायमीटर, और थर्ड क्या है, शुड नॉट बी लेस देन 300, और 300 से कम हम उसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, मिनिमम हम 300 प्रोवाइड करना है। अगर जो हमारा लिस्ट लेटरल डायमेंशन है 350 का है, या और अगर इसकी हेल्प से हमको जो डायमेंशन मिलता है 400 मिलता है, तो हमको मिनिमम कितना प्रोवाइड करना है, उनके बीच की स्पेसिंग 300 mm मिनिमम प्रोवाइड करनी है हमको। अब यहाँ पे जो हमारा डिजाइन होता है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अगर हमको अब उसके बाद क्या करना है, हमारा जो कॉलम है उसको चेक करना है, जो हमारा कॉलम है शॉर्ट या लॉन्ग कॉलम है, तो हम किसकी हेल्प से चेक करेंगे, स्लेंडरनेस की हेल्प से।
तो आपको मिल जाएगा IS-456 पेज नंबर 41 पे क्लॉज 25.1.2 पर आपको ये मिल जाएगा। तो जो स्लेंडरनेस कैसे चेक करते हैं, जो हमारी इफेक्टिव लेंथ रहेगी, इफेक्टिव लेंथ जो लेंथ हमको क्वेश्चन में गिवन है वो नहीं, जो हम इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले स्टेप में वो यहाँ पे पुट करेंगे, देन उसको डिवाइड करेंगे हम लिस्ट लेटरल लेंथ से, जो हमारे जो कॉलम रहेगी उसकी लिस्ट लेटरल लेंथ से उसको डिवाइड करेंगे। अगर जो हमारे जो उन दोनों का रेशियो अगर 12 से कम आ रहा है तो हमारा कॉलम कौन सा है, शॉर्ट कॉलम है। अगर वो 12 से ज़्यादा आ रहा है तो हमारा कॉलम कौन सा है, कॉलम हो गया लॉन्ग कॉलम। इसके बाद क्या हम अप्लाई करेंगे, इसेंट्रिसिटी के लिए चेक अप्लाई करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं, इस फार्मूले की हेल्प से हम इसेंट्रिसिटी चेक करेंगे। तो जो हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए वो 20 से कम होनी चाहिए, इस फार्मूले की हेल्प से मैक्सिमम चेक करेंगे। तो ये फार्मूला कैसे क्या है, मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस टाइप से यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, इस फार्मूले की हेल्प से इसको डिराइव किया हुआ है। तो ये आपको IAS कोड में दिख जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी कंडीशन अगर AC नहीं गिवन है, कई बार आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगा मूवमेंट गिवन होगा, हमारे कॉलम की साइज भी गिवन होगी, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको किस टाइप से सोल्व करेंगे। जब भी हमको मूवमेंट और उस कॉलम की साइज गिवन होगी तो हमको ये वाली स्टेप्स पहले करनी है, ये दोनों स्टेप्स हमको सबसे पहले करनी है। इफेक्टिव लेंथ के बाद हमको सबसे पहले चेक करना है अगर हमारा इफेक्टिव लेंथ आ गया, उसके बाद चेक करना है जो हमारा कॉलम है शॉर्ट कॉलम या लॉन्ग कॉलम हम जो डिजाइन कर रहे हैं, देन उसके बाद चेक करना है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी हम क्यों चेक करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए जो हमारा कॉलम है उस पर कौन सा लोड आ रहा है, एक्सियल लोड आ रहा है, बाय एक्सियल लोड आ रहा है। अगर उस पर बाय एक्सियल लोड आएगा तो उस पर जो ये फार्मूला रहेगा लोड कैलकुलेशन का, ये वाला फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये वाला इसकी जगह हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो भी आपको IAS कोड में मिल जाएगा पेज नंबर 71 पे ही, अगर वाली कंडीशन गिवन है। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती है, अगर हमको जो कॉलम है उसकी साइज भी पता होगी, अगर हमको पता होगा जो हमारा स्क्वायर कॉलम है 400 mm का या रेक्टेंगुलर कॉलम है 400x500 का, तो उसको किस टाइप से सोल्व करेंगे। तो जब भी अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा कॉलम है उसकी साइज क्या है, तो यहाँ पे जब भी हम डिटरमाइन करेंगे एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट, तो हम उसको 1% और 99% एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ग्रोस एरिया नहीं पता था तो हम ये वाली स्टेप लेके चलेंगे। अगर हमको ग्रोस एरिया पता है तो आप कभी भी उसको 1% या 99% एज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको कोई भी टर्म लेना है जैसे ए परसेंट होगा या बी परसेंट होगा, देन उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से हम वो बी परसेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ स्टील। तो जब भी एरिया ऑफ स्टील आएगा वो कितना आएगा, 0.8% से 6% के बीच में, देन उसकी हेल्प से हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ कंक्रीट। एरिया ऑफ कंक्रीट क्या रहेगा, उस परसेंट को हम 100 में से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा यहाँ पे 2 आया, 1.5 आया या 0.9 कुछ भी आएगा, उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी एरिया ऑफ कंक्रीट की। इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमको सीधे लोड और लेंथ गिवन है तो हम ये वाली प्रोसेस अप्लाई करेंगे, अगर हमको यहाँ पे कॉलम की साइज गिवन है तो यहाँ पे हम एरिया एज्यूम नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमको उसमें मूवमेंट वगैरह भी गिवन है तो हम उससे सबसे पहले क्या करेंगे, स्लेंडरनेस चेक करेंगे और देन इसेंट्रिसिटी चेक करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए जो हमारा कॉलम है लॉन्ग या शॉर्ट है और उस पर जो लोड एक्ट हो रहा है वो बायएक्सियल है या एक्सियल लोड है। तो इस टाइप से हम कॉलम डिजाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये फार्मूले किस टाइप से यूज़ करें, किस टाइप से आया IAS कोड की हेल्प से, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।